उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी पर हमला किया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए बचौल ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुकेश साहनी को पशुपालन मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इतिहास खत्म हो गया है। हमारे पास अजय निषाद, मदन साहनी और अर्जुन साहनी के साथ कई बड़े बड़े नेता हैं। दोबारा एमएलसी बनाए जाने से जुड़े सवाल पर बचौल ने कहा कि अब साहनी का चैप्टर क्लोज है। भाजपा विधायक ने कहा कि मुकेश साहनी ने जो किया उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा मुकेश साहनी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे थे। उन्होंने 165 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा किया था। हालांकि कई स्थानों पर नामांकन रद्द होने के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 53 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। परिणाम आने पर उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी है। भाजपा को यूपी से बेदखल करने की बात करने वाले साहनी की पार्टी सभी सीटों पर हार गई। हर जगह उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।